हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंबाइंड बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें 6 एम्पियर का एक कंबाइंड बोर्ड है, उसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल दे दिया है। ये जो हमारा सॉकेट है ये 16 एम्पियर का है, उसके साथ एक MCB कंबाइंड है और ये दोस्तों कोना कंपनी का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसके पीछे वाले हिस्से में देखते हैं तो दोस्तों इसके साथ एक हमें इंडिकेटर लाइट दिया है, इसका कनेक्शन करना है। और साथ में ये हमारा MCB है 25 एम्पियर का, इसको सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है हमें समझना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे L लिखा है, यहाँ पे N है और जो ऊपर वाला टर्मिनल है आपको पता है ये अर्थिंग का टर्मिनल होता है और L का मतलब होता है लाइन और जो N का मतलब होता है न्यूट्रल। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले MCB में दो टर्मिनल दिया है, एक नीचे वाला है एक ऊपर वाला है। तो हमें कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी कनेक्शन करने के टाइम पे सबसे पहले अगर हमें सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है तो हमें ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो अभी हमें क्या करना है, L वाले टर्मिनल को MCB के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हम 2.5 mm का वायर को यूज करेंगे क्योंकि ये हैवी सॉकेट है, तो यहाँ पर हम 1.5 या 1 mm का वायर नहीं यूज करना है हमें। अगर उससे पतला यूज करते हैं तो लोड की वजह से वायर जल सकता है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा जो L वाला टर्मिनल था उसका हमने कनेक्शन प्रॉपर कर दिया है, अभी हमारा दो टर्मिनल बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो N वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम मेन बोर्ड से जो हमारा न्यूट्रल वायर आएगा उसको इसमें कनेक्ट कर देना है और अर्थिंग वाले वायर को ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हम न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर के वायर को यूज करेंगे। दोस्तों साथ में हम इंडिकेटर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। इंडिकेटर में टोटल दो टर्मिनल होते हैं, तो हमारा एक टर्मिनल N के साथ जोड़ना है और जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसे हमें सॉकेट के L वाले टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल था वो भी कनेक्ट हो चुका है और इंडिकेटर को भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी लास्ट में बचता है हमारा फेज वाला वायर, तो हमारा जो MCB का नीचे वाला टर्मिनल है इसमें मेन वायर को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हमारा जो फेज वाला वायर था वो भी कनेक्ट हो चुका है। अभी लास्ट में जो हमारा N वाला टर्मिनल है, सॉरी अर्थिंग का जो टर्मिनल है, इसमें हम अर्थिंग के वायर को जो बोर्ड से मेन वाला वायर आएगा उसको हमें कनेक्ट कर देना है।
दोस्तों हमारा बोर्ड का जो कनेक्शन था वो प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, आप ध्यान से देख सकते हैं। हमारा जो MCB का कनेक्शन था उसको हमने सॉकेट के साथ कर दिया है, अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों हमने वायर को मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है, अभी हम MCB को जैसे ही उठाएंगे हमारा जो इंडिकेटर वाला लाइट है वो ऑन हो जाएगा। देखिए हमने जैसे ही MCB को ऑन किया हमारा इंडिकेटर का जो लाइट था वो चालू हो गया है, अभी जैसे बंद करेंगे बंद हो जाएगा और फिर चालू करते हैं तो हमारा इंडिकेटर लाइट शो होता है। मतलब अगर आपको कभी भी किसी चीज़ को यूज करना है तो प्लग में आप चालू करके लगा कर MCB को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 16 एम्पियर कंबाइंड बोर्ड का कनेक्शन। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।